आईपीएल 2021 को फिर से रिस्टार्ट करवाने के लिए बीसीसीआई की तरफ से लगातार न्यूज सामने निकल कर आ रही है और बीसीसीआई पूरी तरीके से गाइस यहां पे कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह हो आईपीएल 2021 को कंप्लीट करवा दिया जाए। तो गाइस यहां पे आज हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बारे में। तो गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गाइस यहां पे 3 खिलाड़ी गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के, अगर आईपीएल होता है सितंबर के महीने में, तो 3 खिलाड़ी आप सभी को बाहर होते हुए नजर आने वाले। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में आईपीएल 2021 को लेके सौरभ गांगुली की तरफ से नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में भी साथ ही में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी आईपीएल फैंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले सौरभ गांगुली के बारे में। तो गाइस यहां पे सौरभ गांगुली ने हाल ही में गाइस यहां पे एक इंटरव्यू दिया जहां पे उन्होंने बात किया आईपीएल 2021 को लेके। तो गाइस यहां पे सबसे पहले उन्होंने बात किया आईपीएल 2021 को किस तरीके से वो करवाने के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल गाइस वो सोच रहे हैं कि आईपीएल 2021 सितंबर के महीने में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वो विंडो जो कि है, लेकिन उनका टेंशन है कि क्या उस सितंबर के विंडो में सभी खिलाड़ी क्या अवेलेबल हो पाएंगे। वो सबसे बड़ी दिक्कत अभी बीसीसीआई के सामने खड़ा हो चुकी है। जी हाँ, सभी के सामने का हिसाब है, और सभी टीमों के खिलाड़ी अवेलेबल होंगे या नहीं, कौन सी टीम राजी होगी या नहीं होगी, तो इसके लेके भी गाइस यहां पे बीसीसीआई काफी ज्यादा टेंशन में है। क्योंकि अगर आईपीएल हो रहा है तो गाइस यहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज है नहीं है, तो वहां पे सभी खिलाड़ी का अवेलेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बीसीसीआई के लिए और सभी टीमों के लिए भी। तो गाइस यहां पे बीसीसीआई के सौरभ गांगुली ने ये भी कहा कि हम लोग विंडो की तलाश अभी भी कर रहे हैं, सितंबर का महीना हमारे लिए, अगर कोई विंडो नहीं मिलता है तो हम लोग सितंबर के महीने में जाने वाले हैं। ऐसे चांसेस तो सितंबर का महीना ही नजर आ रहा है, और अगर यहाँ पे हम सभी को आगे कोई मिल जाता है तो हम लोग उस विंडो में ही आईपीएल 2021 को करवा लेंगे। बट उन्होंने ये भी कहा कि कोई विंडो हम सभी को मिल ही नहीं रहा है। तो गाइस बीसीसीआई के सौरभ गांगुली भी अब एक खुद कह रहे कि उनको कोई विंडो नहीं मिल रहा है आईपीएल 2021 को करवाने के लिए। अब उन्होंने फिर ये भी कहा कि जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, तो हम लोग इंडियन टीम के साथ मैं और जैसा यहाँ पे जाने वाले हैं इंग्लैंड, एंड वहाँ की सारी स्थिति को देखेंगे। जो 4 ग्राउंड यहाँ पे इंग्लैंड की कंट्री ने बोला है कि हम लोग आईपीएल यहाँ पे करवाएंगे, क्राउड देंगे, तो उसके बाद बायो बबल को भी उन्होंने अच्छी तरीके से वहाँ पे किया जाएगा। इंग्लैंड की कंट्री ने बीसीसीआई को बोला था उस चीज़ों को, गाइस यहाँ पे पूरी तरीके से बीसीसीआई देखने वाली है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आईपीएल 2021 पे फैसला हम सभी को बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिलेगी। सौरभ गांगुली ने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है सभी आईपीएल फैंस के लिए कि सौरभ गांगुली अब आप सभी को बहुत ही जल्दी आईपीएल 2021 पर सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं सितंबर के महीने में आईपीएल होती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कौन से वो 3 खिलाड़ी जो कि आप सभी को बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि पूरा कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, बट गाइस आप बाहर होते हुए आ सकते हैं। तो गाइस खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल, डेलियन सैम्स एंड एडम जाम्पा। जी हाँ, ये 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जितने सारे खिलाड़ी, सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, या फिर गाइस यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के, हैदराबाद के टीम के, जितने सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट किया है, वो सभी खिलाड़ी गाइस आप सभी को आईपीएल 2021 से गाइस बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग आप सभी को पहले भी अपडेट दिया था, कुछ आर्टिकल आए थे जहाँ पे बोला गया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा सीरियस है कोविड-19 को लेकर, एंड गाइस शायद वो जो की एनओसी ना दे अपने इन खिलाड़ियों को फिर से आईपीएल 2021 में जाने के लिए। बट मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि यहाँ पे सौरभ गांगुली और बीसीसीआई अगर ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट से बात करती है, क्रिकेट बोर्ड से बात करती है, तो शायद इनको एनओसी दिया जा सकता है, एंड आईपीएल 2021 खेलने का परमिशन फिर से इन खिलाड़ियों को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल जो कि इतने कमाल के फॉर्म में है, एंड अगर वो नहीं खेलते तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को सबसे
बड़ा झटका लगेगा आईपीएल 2021 के लिए। और उसके बाद आप सभी को डेनियन सैम्स देखने को नहीं मिलेगी, एडम सैम्पा भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको बता दें डेनियन सैम्स प्लेइंग 11 में शामिल हो रहे थे, एडम सैम्पा का जगह नहीं बन रहा था क्योंकि चार फॉरेनर्स खिलाड़ी को जगह मौका दे सकते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा अगर इनको एनओसी नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे ये नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी, बट गाइस यहाँ पे हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये अपडेट जो कि पूरी तरह से कंफर्म ना हो, एक एनओसी मिल जाए सभी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को। तो गाइस बीसीसीआई की तरफ से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से ये नई अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।